समुद्र के अलावा ताइवान का वो कारोबार भी है जिस पर चीन अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका अपना दबदबा चाहता है। जिस मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, एसी का आप इस्तेमाल करते हैं वो एक छोटी सी चिप से ऑपरेट होती है, लेकिन उस छोटी सी चिप का बाजार इतना बड़ा है कि अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। पिछले दो दशकों से सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल अब अत्याधुनिक हथियारों में भी होने लगा है और अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसलिए दुनिया जो समझ रही है कि इस लड़ाई के पीछे नैन्सी का दौरा है, असल में कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। ताइवान युद्ध हुआ तो क्यों मुश्किल में फंस जाएंगी कार कंपनियां? ताइवान चीन तनातनी से क्यों मोबाइल कंपनियों की उड़ी हवाइयां? चीन ताइवान का युद्ध हुआ तो क्यों हथियारों के लिए तरसेगी दुनिया? इन सारे सवालों का जवाब इस छोटे से देश के कारोबार में छिपा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। अमेरिकी सेनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कई सालों से चीन और ताइवान के बीच टेंशन है, लेकिन नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा के बाद से चीन ने मिसाइलें तान दी हैं। दो पड़ोसी देश एक दूसरे को ललकार रहे हैं, क्योंकि 25 साल बाद किसी अमेरिकी नेता का ताइवान आना कोई साधारण घटना नहीं है, वो भी उस समय जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध देख रही है। लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दौरे के पीछे का खेल क्या है, चीन का गेम प्लान क्या है, अमेरिका का हिडन एजेंडा क्या है। सारी कहानी इस तस्वीर में आपको नजर आ जाएगी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मार्क लुई के साथ नैन्सी पेलोसी की मुलाकात। अब आप पूछेंगे कि सेमीकंडक्टर है क्या? क्या इस छोटी सी चिप के कारोबार पर बादशाहत के लिए दो बड़े शक्तिशाली देश आमने सामने हैं? आम बोलचाल की भाषा में हम और आप सेमीकंडक्टर को चिप कहते हैं, और अमेरिका चाहता है कि ताइवान की सारी कंपनियां चीन के लिए चिप बनाना बंद कर दें और डायरेक्ट अमेरिका से रिश्ता जोड़ लें। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि चिप की लड़ाई है क्या और इस चिप का ताइवान से कनेक्शन क्या है। चिप के कारोबार में ताइवान पर चीन और अमेरिका की बाज वाली नजर क्यों है? अगर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता है या युद्ध की स्थिति आती है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और आपके जीवन पर भी पड़ेगा। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, आपके घर में जो कंप्यूटर है, हो सकता है उसमें जो चिप लगा है वो यही ताइवान में निर्मित हो। कहा तो यह जाता है इस समय कि मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल तक दुनिया में जहां जहां ये स्मार्ट चिप्स लगे हुए हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान में ही निर्मित हैं। और अगर ये तनाव बढ़ता है, अगर ताइवान को हर ओर से घेर लिया जाता है या ये चिप बनने बंद हो जाते हैं या इनका निर्यात रुक जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए दुनिया भर में प्रजातंत्रों की कोशिश यही है कि चीन से कहा जा सके कि उसकी विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। आजकल पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बनती हैं उनके पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सेंसर, एयरबैग्स, पार्किंग कैमरे में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप के बिना आधुनिक गाड़ियों का निर्माण लगभग असंभव है। गाड़ियां ही नहीं, ये चिप हर उस डिवाइस में इस्तेमाल होती है जो आधुनिक है, इंटरनेट से जुड़ी है। और चिप की दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश भी ताइवान है और निर्यातक भी ताइवान है। एक छत्र राज है चिप इंडस्ट्री में ताइवान का। ताइवान में बने सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल विश्व के कोने कोने में होता है। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में दुनिया में सबसे बड़ा देश ताइवान है, जहां पर 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि चिप है क्या और ताइवान चिप के बाजार में कितना बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अमेरिका का हिडन एजेंडा ये नहीं है। हिडन एजेंडा है हथियार।
सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल अब अत्याधुनिक सैन्य हथियारों में होता है। दुनिया भर में सैन्य हथियारों की नई जनरेशन तैयार हो रही है और अमेरिका काफी हद तक सेमीकंडक्टर के सेक्टर में ताइवानी कंपनियों पर निर्भर है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान में किसी भी सूरत में चीन की दखलअंदाजी बढ़े या फिर चीन के नियंत्रण में आए और उसको सेमीकंडक्टर देने वाली कंपनी चीन के इशारे पर काम करने लगे। कोरोना के वक्त चिप के निर्यात में कमी आ गई थी तो अमेरिका में हथियारों का उत्पादन धीरे पड़ गया था। कहा यह भी जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी ने अपने इस दौरे में चिप बनाने वाली कंपनियों को अपनी फैक्ट्री अमेरिका की धरती पर शिफ्ट करने का ऑफर दिया है। अब अगर मान लीजिए कि चीन ने फौज के सहारे ताइवान पर जबरन कब्जा कर लिया तो चीन एक झटके में अमेरिका को होने वाली चिप की सप्लाई को रोक सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी सेना मुश्किल में पड़ जाएगी और सिर्फ अमेरिकी सेना ही नहीं अमेरिका के उद्योगों के लिए भी ताइवान में बने चिप ऑक्सीजन की तरह है जिसके बिना वो सांस नहीं ले सकते। एक सच ये भी है कि चीन खुद को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भले ही पेश करता है लेकिन सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में चीन की कंपनियां ताइवान से काफी पीछे हैं। अमेरिका के बाद चीन ही ताइवानी चिप का सबसे बड़ा खरीदार है। मतलब साफ है ताइवान एक छोटा सा देश जरूर है लेकिन चिप की दुनिया का बेताज बादशाह है और चीन और अमेरिका दोनों इस बात को जानते हैं कि अगर ताइवान को अपनी ओर खींच लाए तो टेक्नो वर्ल्ड को मुट्ठी में कर लेंगे।